हे गाइस, वेलकम टू टॉपर स्नॉक। आज हम एक बहुत ही इजी सा ट्रिक सीखेंगे जिससे हम दो डिजिट नंबर को आराम से मल्टीप्लाई कर सके। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारा नंबर है 73 into 24। तो गाइस, सबसे पहले हम करेंगे जो सेम साइड वाले नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 3 12, तो 2 लिख दिया, 1 कैरी ऑन। 7 2 14। अब हम क्या करेंगे गाइस, हमने सेम साइडेड नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया। 3 4 12, तो 1 कैरी ऑन रखा है, बीच में एक स्पेस छोड़ लिया हमने, और 7 2 14, तो वो हमने लिख दिया। ना हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी 7 into 4 वो हमारा 28, और 3 into 2 = 6, 228 प्लस 6 प्लस 1 जो कैरी ऑन वाला को, तो 8 + 6 = 40 प्लस 1 = 15, 1 कैरी ऑन, तो 3। तो हमारा एक स्पेस है तो हम 5 लिख दिया और 3 को कैरी ऑन कर दिया। तो हमारा आंसर आएगा 1752। पहले हमने सेम साइड का मल्टीप्लाई किया, यानी 3 4 12, तो हमने उसको कैरी ऑन दे दिया है। नाउ 7 2 14, बीच में हमने एक स्पेस छोड़ा है। हमेशा जब दो डिजिट का मल्टीप्लाई करोगे तो बीच में आपको एक स्पेस छोड़ना है। तो जो उसके लिए हमने ये कैलकुलेशन किया है, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 4 28 और 3 2 6, और ये कैरी ऑन वाला 1, ये तीनों को प्लस किया तो 35। तो 5 इधर एक ही स्पेस है, तो 3 कैरी ऑन में गया, 14 + 3 = 17। तो चलिए गाइस, हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं सेम मेथड से। ये है 23 by 12, आई मीन 23 into 12। तो गाइस, 3 2 6, 2 1 2, 3 1 3, 2 2 4, नो कैरी ऑन, 7। तो इसका आंसर आएगा हमारा 276। ठीक है गाइस, एकदम इजी सा मेथड है, मल्टीप्लिकेशन है। आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।